अमेठी में सुनते हैं। नाना कह गए, नानी कह गई, सभी कह गए। और मेरे लिए उपहास का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जीवन में कभी ये सोचा ना था कि अमेठी और रायबरेली के निवासी एक रेल की लाइन के लिए पुश्तों तक तरसेंगे, पीढ़ियां गुजर जाएंगी, रेडी घिसते रहेंगे, लेकिन वो रेल की लाइन नहीं मिलेगी। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि जो पुश्तों से नहीं चला आया, जो पीढ़ियों से नहीं हो पाया, वो इस एक साल में नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया और अमेठी से उंचाहार को रेल से जोड़ने का काम मोदी जी की सरकार ने शुरू किया। यहां तक कि रायबरेली अमेठी में जो डबलिंग का काम है रेल का, उसके लिए भी 40 करोड़ रुपया भारतीय रेल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमेठी और रायबरेली की जनता की सुविधा के लिए ये काम कर रही है। ये बातें आज मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि इसी लोकसभा क्षेत्र में आज से एक साल पहले उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी आपके मध्य में आए थे। जनता ने कहा था कि क्या संभव है कि जो बदलाव वर्षों से अमेठी में ना हुआ वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। जनता ने कहा क्या ये संभव है कि नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी हमें याद रखेंगे। ये रिश्ता आज भी कायम है, मुकम्मल है, आज भी ये रिश्ता टूटा नहीं है उसका। तो राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में है स्मृति ईरानी, मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रही हैं।